अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद द न्यू बुक जो कि हम लोग कर रहे हैं एलिमेंट्री लीनियर एलजेब्रिक एप्लीकेशंस 11th एडिशन, जिसकी जो है मैंने शॉर्ट सी वीडियो डाल दी थी कि भाई हम कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं। तो अगर किसी को फिर भी कन्फ्यूजन है बुक के बारे में तो वो वीडियो देख सकते हैं। इस प्ले लिस्ट की सबसे फर्स्ट वीडियो वो होगी जहाँ पर मैंने चैप्टर फर्स्ट जो है वो डिस्कस किया है कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट इसका जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, जो है ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट हो रही थी इसकी, तो लेकिन उस टाइम मैं फ्री नहीं थी। बट अब एक जो है फिर से रिक्वेस्ट आई और ये जो है काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट हो रही थी इसकी, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको जो है अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग एलिमेंट्री लीनियर एलजेब्रिक एप्लीकेशंस की 11th एडिशन बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। सो दिस बुक इज स्पेशली फॉर BS और BSc, ठीक है, जो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। और अगर आप कोई भी जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, सो फर्स्ट जो है आज हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग है, हम लोग 11.1 जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग 1.1 जो है वो डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 जो है एक्सरसाइज है हमारी इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है उसे क्या बोलते हैं डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग सारी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जांपल को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। ठीक है, सो वन बाय वन जो है चलेंगे। होप कि सबको जो है ये वाली जो है सीरीज पसंद आए, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं बहुत यूनिक टॉपिक्स। एंड साथ ही साथ बेल आइकन, शेयर बटन और लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स भी वीडियो के एंड में है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी डेफिनेशन है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन लीनियर, जैसे कि नाम है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और जो नाम है हमारे पास मैट्रिसेस, तो सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पर जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या है और जो है मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है। तो काफ़ी सिंपल सी जो है मैं डेफिनेशन यहाँ पर बताऊँगी, आपने अपने पास नोट करके रख देनी है, बिकॉज बुक अगर आप देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थेरीज होती है। ठीक है ना, और जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब हम लोग किस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे विथ फुल कॉन्सेप्ट। तो आपको बुक की जितनी ज़्यादा थेरीज है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी अगर आपने जो है ये वाले लेक्चर्स पूरे करके। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ लीनियर इक्वेशन की। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी मैंने जो है डेफिनेशन लिख दी, जिससे आपको फुल आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो असल में होती क्या है। सो अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन वेयर ईच टर्म इज आइदर, इधर ईच भी है साथ में, वेयर ईच टर्म इज आइदर अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यानी कोई भी नंबर होगा हमारे पास, और द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट। तो अगर यहाँ पर कॉन्स्टेंट की बात करें तो ये कॉन्स्टेंट जो है कोई भी 2 बोल रहे हैं या 3 बोल रहे हैं या 5 बोल रहे हैं या अप टू कोई भी नंबर बोल रहे हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एंड अ सिंगल वेरिएबल, यानी कि इस नंबर के साथ कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, सिंगल वेरिएबल का, जैसे कि 2x हो गया, 3y हो गया, 5z हो गया, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास ईच टर्म या तो कॉन्स्टेंट होता है या प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट होता है विथ सिंगल वेरिएबल। एंड इक्वेशन का तो आप सबको पता ही है, वो चीज़ जो इक्वल होती है 0 के। ठीक है ना, इक्वेशन असल में, अगर यहाँ पर हम इक्वेशन की बात करें, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई इक्वेशन असल में होता क्या है। तो काफ़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन मैं इधर थोड़ी सी शेयर करूँगी बिकॉज हमारा जो है स्टार्टिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि हर किसी को हर चीज़ जो है क्लियर हो, साथ ही साथ अपने आप जो है MCQs भी यहाँ पर जो है वो कवर कर सके। ठीक है, तो इक्वेशन जो होता है वो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। ठीक है ना, ये एक एक्सप्रेशन होता है। वो एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन के लिए हमें एक कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो कलेक्शन ऑफ, ये हटा देती हूँ मैं, कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है ना,
तो यहाँ पर बेसिकली ये किस चीज़ की बात हो रही है? बात हो रही है एक्सप्रेशन मतलब कि 2x, और एक्सप्रेशन में हमारे पास जो होते हैं न्यूमेरिकल भी आता है, वेरिएबल भी आता है, और मैथमेटिक ऑपरेशन भी आता है, ठीक है ना? तो मैथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास क्या है? प्लस माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है? और 2x हमारे पास एक क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया, एक वेरिएबल हो गया, फिर बीच में इसमें मैथमेटिक का कोई ऑपरेशन लगाएंगे, एंड साथ ही कोई भी एक और जो है कांस्टेंट या वेरिएबल आप लिख सकते हैं, सब टू यू, एंड वो इक्वल हो 0 के। तो ये तो है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन होता है, जब 0 के इक्वल हो जाता है तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है? मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैं फिर भी उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो भूल गए हैं कि इक्वेशन क्या होती है। असल में बात यह है कि हमें पता होता है लेकिन हमें पता नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर कोई हमसे बेसिकली पूछे ना कि इक्वेशन क्या होती है, तो हम कभी भी उसको जो है वो करेक्ट जो है एक प्रिसाइज आंसर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई हमारे लिए, अब हम इसे डिस्कस नहीं करते, ठीक है ना? तो इसीलिए हमें पता होता है बट हमें पता नहीं होता। सही, ये बात है कि हमें पता है कि बट हमें पता नहीं है। तो इक्वेशन असल में हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन होता है, और जब वो इक्वल टू 0 हो जाता है वो एक्सप्रेशन, तो हम उसको इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है ना? तो ये अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है, और अगर मैं इक्वेलिटी हटा दूं तो मतलब ये एक एक्सप्रेशन है। तो नाउ दिस इज द इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली हमारे पास, देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेरिएबल भी है, कॉन्स्टेंट भी है, और कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट भी है, और इक्वल टू 0 भी है, तो मतलब इक्वेशन भी हो गया और लीनियर इक्वेशन भी हो गया, ठीक है? सो ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन, और इसकी हम दो तीन एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल हो 2x+3y=5, और 4x+y=11। सो दिस इज नाउ द लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के साथ मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स भी लिखा है, ठीक है? लेकिन उस पर भी जाएंगे, उसकी बेसिक डेफिनेशन पे भी जाएंगे, और हम ये भी बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स, ठीक है ना? तो पहले हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन को किस तरह से मैट्रिक्स में किया जाता है इसी एग्जांपल से। तो दिस इज द एग्जांपल, ठीक है? सो नाउ अब चलते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ। होप कि आप सबने इसको जो है वो नोट डाउन किया होगा, अगर नहीं नोट डाउन किया तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। सो नाउ आ गए हम लोग मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन रॉ एंड कॉलम। जैसे कि हमें पता है कि भाई एक मैट्रिक्स जो होता है वो ऐसे बॉक्स में, या तो जो है वो सर्कल बॉक्स में बंद होता है, जिसमें हमारे पास कुछ रॉज होते हैं और कुछ जो है वो हमारे पास कॉलम होते हैं, ठीक है? तो ये मैट्रिक्स जो है वो 2x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 भी हो सकता है, ठीक है? मतलब रॉ और कॉलम की बात हो रही है, कि ये जो है दो रॉ या दो कॉलम का भी हो सकता है, तीन रॉ या तीन कॉलम का भी हो सकता है, इसी तरह सो ऑन। अभी मैं लिखूंगी तो फिर पता चल जाएगा, ठीक है ना? सो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे में होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है? और इसमें नंबर ऑफ रॉज और कॉलम होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया। और ये जो मैट्रिक्स होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन क्या है वो अभी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन किस तरह से रिप्रेजेंट करता है ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है? और ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड मोर चीज़ों को भी, इससे भी ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? मतलब इसमें हम काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी वास्ट जो है वो टॉपिक है, ठीक है ना? तो इस पर इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे जितना हमें चाहिए, हम सिर्फ उतना ही जाएंगे, ठीक है? सो लीनियर इक्वेशन और मैट्रिक्स का अब हमारे पास जो ताल्लुक बनता है, जैसे कि मैंने इन टू लीनियर इक्वेशन इन टू मैट्रिक्स मैंने लिखा था, तो चलिए अब हम लोग वो चीज़ लिखते हैं, ठीक है ना? पहले मैं एक जो है मैट्रिक्स की यहाँ पर वो लिख देती हूँ, एग्जांपल लिख देती हूँ कि एक सिंपल मैट्रिक्स हमारे पास कैसे होता है। जैसे कि मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पर हमारे पास देखिए दो कॉलम है और 1, 2, 3, तीन रॉ है, दो कॉलम है, तो ये मतलब हमारे पास जो है दो कॉलम और तीन रॉ का मैट्रिक्स है। और इसमें हम लोग ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं एक मैट्रिक्स का, यानी जो है जैसे कि मैंने आपको बोला ना 2x2, 3x3, तो सबसे पहले यहाँ पर जितने रॉ होते हैं हम लोग उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितने रॉ है हमारे पास, 1 रॉ 2 रॉ, तो मतलब 2 इन 2 कॉलम। अब कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 2 इन 2 3 जो है हमारे पास इसका ऑर्डर बनता है। यहाँ पर हम बोलेंगे m और n, m जो m का मतलब होता है रॉ, ठीक
ठीक है, एन का मतलब होता है कॉलम। तो याद रखिएगा, पहले हम लोग रॉ बोलते हैं, उसके बाद कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहीं आ गया तो होप कि फिर सबको याद होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्या मतलब इसमें कितने रॉ और कितने कॉलम है। जैसे अगर हम बोले ना एग्जाम्पल में कि भाई आप 2x2 का जो है जो है आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल देनी है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि 2 कॉलम 2 रॉ। ठीक है, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बिकॉज ये MCQs में आता है। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हम इधर जो है बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें MCQs भी कवर हो जाएंगे, सही है, और साथ में जो इतनी ज़्यादा थ्योरी है बुक में वो भी कवर हो जाएगी। तो होप कि सबको पता होगा कि अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। नाउ चलते हैं कि लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल ली थी ना, उसी को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर दूंगी। ठीक है, सो हमारे पास एग्जाम्पल आती है, दोनों की एग्जाम्पल है ये, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको, 2x + 3y = 5 एंड 4x + y = 11। अब ये तो है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे, इनटू मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे चेंज होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट नंबर है उसको हम एक मैट्रिक्स में लिख देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 3, 4 और 1। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास एक मैट्रिक्स। नाउ जो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ है हम उसको लिख देते हैं एक दूसरे मैट्रिक्स में। तो वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई है। अब दो दो दफ़ा तो हम लिखेंगे नहीं, तो ऊपर आपने एक्स लिख देना है, नीचे आपने वाई लिख देना है। ठीक है, फिर इक्वालिटी आ रही है तो हम भी भाई इक्वालिटी ही डालेंगे। साथ में हमारे पास क्या है, फर्स्ट रॉ के लिए वो है हमारे पास 5, सेकेंड रॉ के लिए 11। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, सो हम लोग इस तरह से लीनियर को, लीनियर का कोई मैट्रिक्स देते हैं और उसको हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। बट रूल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपने यही रूल फॉलो करके लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में चेंज कर देना है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑन लीनियर इक्वेशन एंड मैट्रिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड ऑफ कोर्स आपने लाइक बटन और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।